आपको भी दिखा दूँ। देखिए ऑलवेज रात को भी होती है, कभी कभी रात को मोस्टली होती है, सुबह नहीं होती। रात देखिए मस्त लग रही है। गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्ण। पूजन डायरीज में आप सबका स्वागत है। कैसे हो दोस्त आप सब? मुझे इग्नोर कर दिया ये लो। तो बस आप सबका स्वागत है, आ गए हम घर। और उस दिन बाल धोए फिर भी पता नहीं चिपको ही हो जाता है। तो बस आके फिर थोड़े फ्रेश हो कर, चाबी रेडी ही है और मेरे ग्लास पे कुछ समथिंग। तो बस ये आ गए और सब लेके बैठ गए थे, विराजमान हो गए हैं। हाँ विराजमान हो गए, चाय बना दी है और चक्री अभी तो पूरा डब्बा भर के बना। उस दिन तल ली थी छुट्टी के दिन, तो पूरी रख दी है भर कर, तो जब भी फास्ट हो तब मतलब खा सकते हैं। तभी रेडी कर दी है और इस तरफ मग भी रेडी है। आज बुधवार है ना, बस बुधवार को सोचने का ही नहीं, मग बदल देने का। हाँ बस वो रखा ही है, सोचने का ही नहीं, टेंशन चाहिए ही नहीं सोचने का, क्या बनाना क्या नहीं बनाना एकदम। और आज तो बहुत फ्री थे ऐसा सुनने में आया मेरे को। हाँ आज तो हम चौक पे बहुत पालक इतने फ्री थे कि बस फाफे मारे है कंप्यूटर में। इतना फ्री थे हमें, हमारी आंखें ऐसी थी। बस शांति है अभी थोड़ी, तो बस ये चाय नाश्ता कर रहे हैं और बाद में जाएंगे मंदिर आज तो। और ये रही चक्री, दिखाती हूँ आपको, और बहुत मस्त टेस्ट है, इंडिया से लाए थे है ना। आप खोलो ना। और आज मग के साथ मैंने सोचा है कि थेपला बनाऊँ। ये देखिए चक्री फुल एंड फाइनल चक्री मस्त है। और आज सोचा है कि थेपला बनाऊंगी, वो मेथी बची है अभी तक, तो वो थोड़ी रख दी थी उस दिन बना के वापस, अभी भी थोड़ी बची है, थोड़ी भी इतनी बचाई है वापस, तो वापस यूज करूंगी। भरपूर यूज किया जा रहा है इसे, फ्रेश फ्रेश मेथी का। आज वापस मग के साग के साथ हम थेपला खाएंगे। वाह, कभी टिंडोड़ा के साथ, कभी दाल ढोकले के साथ। अरे जलसा करो तारा, तुम मौजे मौज रोजे रोज। अरे एकदम बाकी दिन रखवाना उनका ही मजा आएगा। सुमा भी नहीं जो मुझे तो पसी। यस चलो अभी चाय नाश्ता करके फिर निकलते हैं। हाँ बस अभी चाय नाश्ता करते हैं, चलिए बाद में निकलने का टाइम मिलता है आपसे। यस। और हमारा पता नहीं ये गैराज का रिमोट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो भी देखना है सेल सब। हाँ तो वो बाद में देखते हैं सब, एक तो टाइम मिलता नहीं। कल मैंने निकाल के ऐसे घीस दिया, आज थोड़ा तो चला है। हाँ आज चला है, वो सेल को जनक ने थोड़ा घीसा तो शायद वो गर्म हुआ होगा, बैटरी चार्ज हो गई घीसने से। हाँ ऐसा हो। हाँ और तो वो तो मैं, अरे यार एक तो वो इंडिया से चनिया चोली लाए थे ना, तो वो आ नहीं रही है, अभी देखती हूँ कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा उसमें भी। वो दोरे है वो तो निकाल दूंगी, होप सो आ जाए फिर। तो वो आजकल में ही करना पड़ेगा फिर, टाइम नहीं मिलेगा। चलिए देखती हूँ कुछ। चलिए अभी नवरात्रि भी शुरू होगी राइट, सैटरडे या संडे से है नवरात्रि का पहला दिन, मचाएंगे उसकी। हाँ हाँ चलो मजा करे सुपर नवरात्रि में। यस दोनों की फेवरेट है नवरात्रि। अरे एकदम चका जाम। चलिए तो हम भी चाय नाश्ता कर लेते हैं चक्री। यस मजे मौज। तो बस चाय नाश्ता हो गया है और हम कर रहे हैं बाकरी पराठा टाइप बना रहे हैं, मेथी भी डाल के। हाँ मेथी का थेपला, मेथी पे अभी टूट पड़ी है। और देखो खुशी देखो मेथी खाने की,
बहुत कुछ चल रहा है साथ में, पीछे वीडियो में आ रहा है क्योंकि बाहर का कुछ सुन रहे हैं हम, खाने पीने का। तो बस अभी थोड़ी देर में रेडी होके फिर मंदिर जाते हैं, और क्या करना है और कुछ नहीं, बाद में टाइम मिलेगा तो मुझे और टाइम मिला तो आज वो देखती हूँ चनिया चोली का, वो निकालने का फिटिंग कर देंगे, वो सब देख लेंगे, मैं भी देख के ट्राई कर लूंगा। मेरा भी देखना है, मेरा भी देखना पड़ेगा क्या है वो। यस, और सब कुछ निकल के रेडी कर दूंगी, क्योंकि अगर मुझे शायद संडे को जाना पड़े तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं ना, पहले से सब रेडी रखूँ तो एडवांस सिस्टम। यस, तो चलो अभी थोड़ी देर में जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। ये देखिए बस में दिया है ऊपर साइलेंसर, ये ऊपर साइलेंसर ही है ना। हम लोग निकल गए मंदिर जाने के लिए, और अभी शाम का टाइम हुआ है तो ऑफकोर्स ट्रैफिक बहुत है रोड पर, हाँ कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है, और थोड़ी थोड़ी सी ठंड है तो हम दोनों ने हुडी पहन ली, रिस्क लेने का नहीं। हाँ तो बस इसीलिए हुडी पहन ली है और अभी निकले हैं। ये रोड पर तो थोड़ा सा भी कम होगा हम जो घर से, हाँ जो आगे मेन रोड आएगा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा रोड भरा होगा कार से क्योंकि बहुत ट्रैफिक। अभी कितने ऑलमोस्ट 6:30 बजे है शायद, है ना। हाँ 6 बजे, अभी 6 बज गए हैं। तो बस चलते हैं मंदिर और देखिए आपको दिखाती हूँ आगे से अभी थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स, सामने की साइड तो लाइन लगी है अभी, घर जा रहे हैं। हाँ क्योंकि ये रोड से सब घर घर का रास्ता होता है ना, इसलिए ये रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक है। हमारे वाले पे अभी कम ट्रैफिक रहेगा क्योंकि अभी आने वाले, हाँ क्योंकि अभी जाने वाले कम है, आने वाले ज़्यादा होते हैं। और इधर काफ़ी अच्छा है बाहर का, कभी कभी ऐसा होता है काश ऐसा वेदर इंडिया में होता है ना, ना ठंडी ना गर्मी और चोखा ही, हाँ क्लीन एकदम मस्त। देखिए फ्रेंड्स, ये बीच रास्ते में रास्ता रोक के खड़ी है अभी, यहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते, जब तक ये जाए ना तब तक खड़ा ही रहना होता है। ये जाएंगे उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बत्ती साइड पर कहीं निकल जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि चलो उसको जोर जोर से हॉर्न मारो और हटा दो। तो बस हम ये थोड़ी देर में मंदिर पहुंचने वाले हैं। देखिए भी इधर एलिफेंट गिर गया, एलिफेंट गिर गया आज। ये स्वामीनारायण मंदिर, जय स्वामीनारायण। देखो कितने मस्त फ्लावर्स है, हमारे घर पे होता था वो याद आ गया। है ना, ऐसे ही होता है इंडिया में घर पे। यस, पूरा ऐसे तो बगीचा एकदम मस्त खिलखिला रहता है। आ तो सेव भी है ना नीचे से तो। बस मस्त दर्शन हो गए, पूजा भी हो गई और अभी बाहर आए हैं तो घर चलते हैं। काफ़ी ठंड है, तिलक भी किया है। यस, और ठंडी बहुत है, मैं तो हुडी नहीं पहनने वाला था। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैन ऐसे निकलने वाले थे, चलेगा हुडी और बोल रहे हो अच्छा वो पहन लिया, ठंडी लग रही है तो क्या, बहुत ज़्यादा लग रही है, हालत ख़राब हो जाती बिना उसके आया होता तो। पर यहाँ एटमोसफियर प्रशांत, यस एटमोसफियर बहुत मस्त है, पर ऐसा होना चाहिए। चलो अभी घर चलते हैं, ट्रैफिक ना हो तो अच्छा है ना। चलो फिर, देखिए ये प्लेन कितना नीचे से जा रहा है,
के फ्रेंड, ये जो एरिया है ना वो कौरी का एरिया है, इसलिए यहाँ पे उन लोगों ने स्पेशल ये ट्रक रखी है बाहर छोटी सी। हाँ सॉरी ज़्यादा दिखा नहीं पाई जाना कितनी फास्ट कार लेकर जा रहे हैं। हाँ ग्रीन सिग्नल की वजह से उन्होंने बगा ली तो मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। और ये देखिए बहुत बड़ा सा हॉल है, ये शादी सब रखते हैं हमारे इंडियन लोग यहाँ पर, साउथ इंडियन। हाँ कोई साउथ इंडियन का है। और अभी आगे जाके मैं आपको एक बड़ा सा हेलोवीन का भूत दिखाऊंगी, ऐसा लगता है हाँ उनके लिए ही हेलोवीन आया है, बहुत बड़ा सा रखा है। अभी थोड़ी देर में आएगा वो भी, और काफ़ी अभी अंधेरा होने लगा है, 6:45 हुए हैं तो ऐसा अंधेरा हो चुका है 6:45 में अभी तक। ये एक फार्म है, फार्म वालों ने रखा है शायद, ये देखिए ये फार्म है और देखिए ये है बड़ा सा, ये है ना बड़ा सा भूत। हाँ हेलो भी, चलिए तो बस ये रोड पर है हम। देखिए फ्रेंड्स मुझे ये व्यू इतना अच्छा लगा कि सोचा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ऊपर ब्लू सा आकाश और उसके बीच में पिंकिश कलर और नीचे येलोइश लाइट और इस तरफ ग्रीन सा शेडो, अच्छा लग रहा है कुछ। तो बस अभी अभी हमने किया है ओट्स का मसाज और बहुत मजा आ गया, और अभी चल रहा है अच्छा लग रहा है। अरे वहां से एकदम क्लीन हो गया ऐसा लग रहा है सब, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात को भी फ्रेश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी उठे हैं, पर नींद तो आ रही है क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है वापस। जब कुछ भी ना हो तब घर का ऐसा चल जाता है कुछ, घर से छोटी छोटी चीज़ें। हाँ तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है, स्किन भी अच्छी हो जाती है, ये प्री नवरात्रि की सब शुरुआत है। यस आई नो, ये आपने इसीलिए करवाया मेरे पास, इसीलिए करवाया मैंने। हाँ तो बस चलो अभी देखिए आज महाराज ने वापस ये दोरा बांधा है, जैसा आता है ना वो वापस बांध दिया महाराज ने। यस दोनों को, दोनों को। तो चलो फिर आज का व्लॉग यही पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं वापस नई खुशियों के साथ, नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, एंजॉय, मजे कीजिए, तैयारी कीजिए और मस्त नवरात्रि कीजिए, सफाई कीजिए। और हाँ दिवाली भी आ रही है, लेडीजों के लिए वो भी होता है, दिवाली भी आ रही है तो घर की सफाई भी कीजिए, हम भी करेंगे अभी थोड़े दिनों में। हाँ तो ओके टेक केयर, बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।